Yeah, so students, today we will understand what is the meaning of cooling down and the other names. Vishesh, please aap apna mic off kar do beta, kyunki fir disturbance hoga. Okay, so limbering down is the technical term, and the other term which we use for limbering down is cooling down. So what is cooling down? Okay, we have already studied about warm up. And as warm up is important, equally cooling down is also important. Okay, I think Rishabh is interested in physical education subject, and also he is good in sports. That's why I get response from him. Okay, so jaise warm up important hai, same way cooling down is also equally important. So what is cooling down? Okay, cooling down is meaning transition of the body from strenuous work और हाई इंटेंसिटी वर्क टू नॉर्मल स्टेट. मतलब यानी जब हम फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तो हमारे बॉडी में सारे मतलब बहुत सारे चेंजेस होते हैं. यानी मतलब टेम्परेचर हमारा हाई होता है, ब्लड फ्लो हमारा बढ़ा हुआ होता है, रेस्पिरेटिंग रेट, मतलब लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, एंड ऑल द चेंजेस आर ऑन द हाई स्पीड. सो वी हैव टू ब्रिंग आवर बॉडी टू द नॉर्मल पोजिशन. ठीक है, रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल हो, पल्स रेट नॉर्मल हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो. ठीक है, केमिकल चेंजेस यानी जो केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में जमा है उनको भी नॉर्मल लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग डाउन करते हैं. ओके, एक्चुअली कूलिंग डाउन का अब हम बात करते हैं न्यूएस्ट ईयर. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है कूलिंग डाउन, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जैसे हमारा बॉडी का इंपॉर्टेंट है, हमारा कूलिंग डाउन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, रिड्यूस स्टिफनेस इन द मसल. मेटाबॉलिक प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें मतलब अपनी मतलब क्षमता से ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि लोड बढ़ गया है, क्योंकि हमें मेहनत करना है. ठीक है, तो यही स्टिफनेस, और उसी में होता है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस से क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी. ठीक है, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, हमारी मसल्स थोड़ी सी स्टिफ होती है. ओके, तो इफ वी विल डू लिमरिंग डाउन, ओके, कूलिंग डाउन, वी विल कूल अवर बॉडी, सो इट विल मीनिंग स्टिफनेस विल गो अवे, स्टिफनेस विल वैनिश. ओके, तो बच्चों हम एक्चुअली हम बात करेंगे, हम बाद में बात करेंगे कि हम एक्चुअली लिमरिंग डाउन में करते क्या है, पहले इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, रिलैक्सेस द बॉडी एंड रीस्टोर्स एनर्जी. So cooling down helps us to relax our body. Okay, अब कैसे? How it help in relaxing our body or energize our body for the future work, for the next coaching, next training? तो क्या होता है, हमारे body में जो भी changes होते हैं वो उसको मतलब क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल लेकर आती है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी, ये सारी जब नॉर्मल हो जाती है सिचुएशन, तो हमारी बॉडी रिलैक्स भी करती है, और रिलैक्सेशन की बात क्या होता है, वो नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी हो जाती है. ओके, थर्ड इज रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल बच्चों. ठीक है बच्चों, मैं ऑडिबल तो होना अच्छे से, एक मिनट बच्चों, वेट ए मिनट. ओके, तो बच्चों दिस लिमरिंग डाउन हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी आफ्टर द स्ट्रेनस वर्कआउट. ओके, वेस्ट प्रोडक्ट में मेनली क्या होता है, टॉक्सिन्स, मतलब केमिकल प्रोसेस होने के बाद टॉक्सिन्स बॉडी में एक्युमुलेट हो जाते हैं, या फिर एक्सरसाइज करने के बाद लैक्टिक एसिड भी हमारी बॉडी में जमा होता है, जो कि मेन रीजन होता है हमारी टायर्डनेस का, हमारी फैटिक का. ओके, फैटिक मतलब थकावट. देन बच्चों नेक्स्ट है अवॉइड डिजीनेस एंड फेंटिंग, फोर्थ पॉइंट इज
अवॉइड डिजीनेस एंड फिंटिंग. फेंटिंग स्टूडेंट, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आफ्टर रनिंग वी फील लाइक फेंटिंग, ठीक है, चक्कर आने जैसा लगता है, भारीपन जैसा लगता है. वो एक्चुअली इसीलिए लगता है क्योंकि हम लोग वार्म अप कर लेते हैं, मतलब आप बच्चे एक्चुअली वार्म अप करना जानते हैं. थक गए तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोग बैठ जाते हैं, ठीक है, लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे आफ्टर द एक्टिविटी. तो दैट वी शुड नॉट डू. आफ्टर अवर वर्कआउट वी हैव टू कीप डूइंग सम फिजिकल स्ट्रेचिंग, जिसे कि हम ये बोलेंगे लिम्बरिंग डाउन. हमें लिम्बरिंग डाउन करना मस्ट होता है क्योंकि जो भी हम प्रोसेस है, जो भी चेंजेस वर्कआउट से हमारी बॉडी में आए हैं, उनको नॉर्मल पोजिशन पे लाने के लिए, मतलब ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बहुत जरूरी है. एकदम से अगर आप रुक जाते हैं, कूलिंग डाउन नहीं करेंगे, स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, तो आपको जो उसका जो मतलब उल्टा इफेक्ट होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा, वो यही होगा कि पैरों में भारीपन लगेगा, खिंचाव लगेगा. सो टू अवॉइड ऑल दिस सिचुएशन यू हैव टू डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. ओके, स्लो जॉगिंग, जिससे कि आपके बॉडी में चेंजेस बढ़े नहीं बल्कि चेंजेस नॉर्मल हो. ओके, द नेक्स्ट स्टूडेंट, अवॉइड इंजुरीज. स्टूडेंट, अवॉइड इंजुरीज मतलब यह है कि जब इतना इंटेंस हमने वर्कआउट किया है, तो मतलब हमारी बॉडी, हमारी मसल्स में भी काफी चेंजेस होते हैं, ठीक है, मतलब उनको भी अपनी कैपेसिटी से जब ज्यादा काम करना पड़ता है, तो वहां पे भी सोरनेस या फिर आप ये कह सकते हैं इन्फ्लामेशन, यानी सूजन वगैरह आना, ये सब हो जाता है, ठीक है. तो अगर आप लिम्बरिंग डाउन करेंगे तो आपकी ये जो इंटरनल इंजरीज है, इनसे आप बचेंगे. ओके, सो बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज मेथड ऑफ लिम्बरिंग डाउन, ठीक है. आप मतलब व्हाट वी विल डू फॉर कूलिंग डाउन अवर बॉडी. कूलिंग और लिम्बरिंग, ठीक है. ओके, तो हमें क्या करना चाहिए. ओके, हमने अपना वर्कआउट कर लिया, ठीक है, सारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो सब फिनिश हो गया. तो कूलिंग डाउन के लिए आपको क्या करना है, यू फर्स्ट थिंग यू हैव टू अवॉइड इज सिटिंग एंड लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है. आप बहुत स्लो जॉगिंग, यानी बॉडी को बिल्कुल, बॉडी पार्ट्स को बिल्कुल लूज छोड़ते हुए बहुत स्लो जॉगिंग करिए, ठीक है. आप खड़े होकर आराम से एक जगह आप क्या कहते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, स्लो एक्सरसाइज करिए, स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आई मीन. बट ध्यान रहे कि आपका मतलब ये कि हार्ट रेट वगैरह, पल्स रेट वगैरह, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है. पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद आप लेट कर, बैठ कर, जैसे भी है, सारी बॉडी की एक्सरसाइज करिए. उसके बाद ही आप अपना क्या कहते हैं मतलब लिम्बरिंग डाउन खत्म कर सकते हैं, ठीक है. यू कैन डू स्पोर्ट्स मसाज आल्सो, यू कैन आस्क योर पार्टनर, योर फ्रेंड टू डू सम मसाज ऑन योर बॉडी. इट विल आल्सो, इट हैव ए मतलब वेरी गुड इफेक्ट ऑन अवर बॉडी, इट रिलैक्सेस अवर बॉडी अगर मसाज होती है तो, ठीक है. देन बच्चों, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ लिम्बरिंग डाउन, ठीक है. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मतलब बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्यू टू लिम्बरिंग. लिम्बरिंग डाउन से हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या होते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट इज स्टूडेंट, हार्ट रेट आपका नॉर्मल होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है प्रॉपरली अगर आप कंटिन्यू रखते हैं अपना वर्कआउट, मतलब लिम्बरिंग डाउन कंटिन्यू रखते हैं, ब्लड फ्लो बिकम्स नॉर्मल. ओके, बॉडी टेम्परेचर रिड्यूसेस टू नॉर्मल, देन रेस्पिरेटरी आपका रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, वो भी नॉर्मल होता है. देन लेवल ऑफ एड्रिनलाइन, यानी लेवल ऑफ एड्रिनलाइन इन द ब्लड रिड्यूसेस. एड्रिनलाइन एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में मतलब बीपी बढ़ाना या फिर हार्ट रेट बढ़ाना इसमें हेल्प करता है, तो वो भी नॉर्मल होता है. ओके, देन ये मसल रिलैक्स होती है आपकी, मसल फाइबर बिकम्स शॉर्ट एंड अकेन. ओके, जो भी स्ट्रेचिंग वगैरह हो जाती है वो भी शॉर्ट होते हैं,
So all these are the physiological effect of limbering down that I am not writing on the board. ठीक है, बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हार्ट रेट, बीपी, ब्लड फ्लो, ब्लड टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट, लेवल ऑफ एड्रेनालाइन हार्मोन इन द ब्लड, देन मसल रिलैक्सेस. ओके, मसल फाइबर कम्स बैक टू नॉर्मल पोजिशन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट लोड. ठीक है, लोड और ओवरलोड. बच्चों दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी ऑल्सो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट लोड. लोड एक्चुअली है क्या? ठीक है, लोड मतलब आप कह सकते हैं ब्रैकेट में इट इज ट्रेनिंग शेड्यूल. ट्रेनिंग शेड्यूल और वर्कआउट मतलब आपके कोच ने आपको कितना काम दिया है. ठीक है, आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल बनता है बच्चों वो वीकली बन सकता है, मंथली बन सकता है. तो कितना वर्कआउट उसने आपको दिया है, दिस इज वर्कलोड. ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन बाय द एथलीट इन हिज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, दिस इज लोड. जो भी हम काम करेंगे. तो ये तो बच्चों हो गई लोड की बात. नाउ अब लोड, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द लोड बिकॉज इफ वी विल नॉट इंक्रीज द लोड on a player, then the performance will be normal only. There won't be any change in the performance. So to improve the performance of the athlete, we have to increase the load. Now, how we can increase the load? How we can increase the load? Okay. अब हम लोड को कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है, तो there are three methods by which we can do loading. Loading meaning increase the load by increasing volume. By increasing the volume का मतलब ये है कि आप repetition ज्यादा लगवाइए एक एथलीट से. ठीक है, आज मान लीजिए उसने आपके टू राउंड लगाए, तो धीरे धीरे आप उसका जो है वॉल्यूम बढ़ाइए. ओके, धीरे धीरे उसके नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ाइए. ठीक है, मोर डिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं उसके रिपीटेशन आप ज्यादा बढ़ा दीजिए. देन बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, बाय इंक्रीजिंग, ठीक है, दूसरा मेथड है बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी. सपोज अभी हमने उसके राउंड्स नहीं बढ़ाए लेकिन हम उसकी स्पीड बढ़ा देंगे. ठीक है, पहले मान लीजिए कोई भी राउंड अगर वो 20 सेकंड में लगा रहा है तो अब हम उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, मतलब यानी कि अब उसको टाइम रिड्यूस कर देंगे. ठीक है, या फिर अगर वो वेट ट्रेनिंग कर रहा है तो हम उसका वेट बढ़ा देंगे. ठीक है, रिपीटेशन सेम रखेंगे लेकिन वेट बढ़ा दिया हमने, तो भी हमारा वर्कलोड बढ़ रहा है. ओके, देन नेक्स्ट है बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब यह है कि जो भी वो काम कर रहा है वो जल्दी जल्दी काम करेगा. ओके, जल्दी काम करने का मतलब यह है कि उसका जो रेस्ट पीरियड है वो हमने कम कर दिया. रेस्ट पीरियड कम करने से क्या होगा कि उसकी जो हार्ट बीट है, ठीक है, पहले मान लीजिए हम उसे 5 मिनट्स का रेस्ट टाइम दे रहे थे लेकिन अब हमने रिड्यूस कर दिया रेस्ट टाइम 3 मिनट्स, तो भी लोडिंग बढ़ेगी यानी वर्कलोड बढ़ेगा प्लेयर के ऊपर. ओके, बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे ओवरलोड. ओके, ओवरलोड. सो व्हाट इज ओवरलोड? ओवरलोड का मतलब यह है कि बच्चों हमने मतलब वर्कआउट दिया एथलीट को एंड आफ्टर सम टाइम वी आर फीलिंग दैट देयर इज नो इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही. आप 15 दिन काम कर लिया, हफ्ते भर आपने वही सेम शेड्यूल फॉलो कर लिया, तो मतलब हमें मतलब या फिर हमारी परफॉर्मेंस स्टैग्नेंट है, तो इट मे बी ड्यू टू ओवरलोड ऑफ द वर्कआउट. यानी हो सकता है कि उसके ऊपर वर्क मतलब हमने उसको ज्यादा वर्क दे दिया जिसकी वजह से या तो हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है या फिर स्टैग्नेंट है यानी कि रुकी हुई है. ओके, तो दिस इज कंसिडर्ड एज
वर्कलोड, ओके, मतलब आपको मैं ये ऐसे भी कह सकती हूँ कि इंटेंस वर्कआउट हमने उसे दे दिया और परफॉर्मेंस बढ़ रही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर वो ज्यादा लोड है, ज्यादा हम उसे काम करवा रहे हैं. ओके, तो हाउ वी विल नो दैट इट इज ओवरलोड ऑन द प्लेयर. ओके, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिम्टम्स आर देयर बाय विच वी कैन कम टू नो, विच विल हेल्प अस टू नो दैट कि उसके ऊपर वो जो लोड है वो एक्चुअली ओवरलोड है. तो सिम्टम्स की हम बात करेंगे. तो सिम्टम्स हम बात करते हैं, तो बच्चों पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स. यानी कि वो सिम्टम्स जो कि हमारे बॉडी के मतलब इंटरनली हो रहे हैं, तो उन सिम्टम्स से हम पता कर सकते हैं कि हमारे मतलब प्लेयर के ऊपर वर्कलोड है. ओके, तो अब हम कैसे पता करेंगे बच्चों? ठीक है, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड इज एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी वेट. यानी प्लेयर का बॉडी वेट घट रहा है, ठीक है, दिस मे बी द रीजन ऑफ ओवरलोड. देन लॉस ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज, पतला हो रहा है वो, फैट उसका रिड्यूस हो रहा है बॉडी में, ठीक है. इंक्रीजिंग इन द हार्ट रेट, उसकी हार्ट रेट तो मतलब वर्क स्टार्ट करते ही बढ़ जाती है, ठीक है, और नॉर्मल भी इजीली नहीं होगी. ओके, इंक्रीजिंग उस रेस्टिंग हार्ट रेट, एक्चुअली इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन द रेस्टिंग हार्ट रेट. देन डिक्रीज इन मस्कुलर स्ट्रेंथ, ओके, मसल सोरनेस एंड फैटिक, ठीक है, मसल्स में थकावट है, स्वेलिंग है, या फिर क्या कहते हैं फटीक, थकान उसको आ जाती है, या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन है, या डायरिया हो रहा है, या पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट. पाल्पिटेशन ऑफ द हार्ट का मतलब है कि उसको घबराहट होती है काम करने से पहले, या फिर डिक्रीज इन एरोबिक कैपेसिटी, मतलब एरोबिक कैपेसिटी से मतलब ये मान लीजिए कि वो मतलब काम नहीं कर पा रहा, उसको थकान हो रही है. ओके, जितना काम वो पहले कर पाता था वो चेंजेस नहीं है उसमें, रिड्यूस हो रहा है, अब वो नहीं कर पाता उतना काम. ओके, ऑल दीज आर द फिजियोलॉजिकल सिम्टम. देन नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, ठीक है, अब साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होंगे एक प्लेयर के ड्यू टू ओवरलोड? वो मतलब एंजाइटी फील करेगा, वो इरिटेबल होगा, ओके, स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है प्लेयर को. देन क्वारेलसम एटीट्यूड, मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा कह लो या लड़ाई वाला उसका एटीट्यूड हो जाएगा, मोटिवेटेड फील नहीं होगा वो, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड एंथुसियाज्म, ठीक है, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा अपने वर्कआउट पर, या फिर लैक ऑफ फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ओके, मतलब एक कॉम्पिटिटिवनेस फीलिंग उसमें नहीं होगी. तो ऑल दीज फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, साइकोलॉजिकली मतलब दिमाग से उसको ऐसा मतलब सिम्टम्स होंगे ओवरलोड के. नेक्स्ट है बच्चों परफॉर्मेंस रिलेटेड सिम्टम्स. Now the performance related symptoms of overload, वो क्या हो सकते हैं? तो early onset of fatigue, ठीक है, यानी कि उसको अपना workout start करते ही जल्दी थकान चढ़ जाएगी, it is due to overload, या inability to complete the training program, अपना training program वो पूरा नहीं कर पाएगा, increase in technical errors, ठीक है, जो भी वो skill कर रहा है उसमें technical error होंगी उसके movement में, उसके skill में, या फिर टेंस्ड मोमेंट होंगे उसके, या फिर वो फ्रीक्वेंट मतलब फ्रीक्वेंट एरर्स करेगा, यानी गड़बड़ करेगा, गलती करेगा कोई भी मतलब फॉलो करने में. ओके, तो दीज आर परफॉर्मेंस रिलेटेड सिम्टम्स ड्यू टू ओवरलोड. ओके, नाउ अदर सिम्टम्स आर आल्सो देयर. अदर सिम्टम्स में स्टूडेंट्स है लॉस ऑफ स्लीप, नींद, ठीक है, नींद उसकी गड़बड़ हो सकती है, लैक ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी हो सकती है, स्वेटिंग एट नाइट, घबराहट की वजह से स्वेटिंग हो सकती है नाइट में, ठीक है, चक्कर आना, थकान चढ़ना, डिजीनेस वगैरह भी, फेंटिंग वगैरह भी उसको हो सकती है. ओके, ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड. ओके, नाउ बच्चों हाउ टू ओवरकम ओवरलोड. How to overcome overload?
स्टूडेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल ओवरलोड. ठीक है, ओवरलोड का जो प्रॉब्लम है, जो भी सिम्टम्स हमने पढ़े, उन सब सिम्टम्स को ओवरलोड के रिमूव करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो जितना पॉसिबल हो उतना जल्दी हमें मतलब वर्कआउट करना चाहिए, मतलब वर्क उसके लोड पर भी, ट्रेनिंग लोड पर भी, और उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट नहीं है. क्योंकि आप उसको इंटेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं है, तो सब मतलब यूजलेस है कि वो इतना काम कर रहा है और फिर उसमें नेगेटिव इफेक्ट भी है लोड का. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल द ओवरलोड इमीडिएटली, जैसे ही आपको तुरंत पता चलता है. ओके, तो देयर आर फ्यू मेथड्स बाय विच वी कैन टैकल द ओवरलोड. ओके, फर्स्ट इज ट्रेनिंग लोड. तो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग लोड का मतलब ये कि जो भी वो वर्क कर रहा है, जो भी उसका शेड्यूल है, वर्कआउट है, उसको कोच को उसको दोबारा से स्टडी करना चाहिए कि क्या उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, उसकी प्रेजेंट फिटनेस को देखते हुए, क्या वो लोड उसके ऊपर काफी है या ज्यादा हो रहा है. ठीक है, बहुत जरूरी है कि वो उसको स्टडी करे. ठीक है, जरूरत पड़े तो रिड्यूस करे, जरूरत पड़े तो उसको स्प्लिट करे, डिवाइड करे. ओके, नेक्स्ट इज सुटेबल रिकवरी पीरियड्स. स्टूडेंट्स, इफ ओवरलोड इज सीवियर देन प्रॉपर रेस्ट शुड बी गिवन टू द प्लेयर. मतलब आपको फुली रेस्ट उसको देना पड़ेगा जिससे कि वो मतलब रिकवर करे, फुली रिकवर करे, उसके बाद ही हम उसको स्टार्ट करेंगे लोड देना या ट्रेनिंग देना. ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सिम्टम्स उतने सीवियर नहीं है, देन वी हैव टू गिव रेस्ट पीरियड इन बिटवीन द ट्रेनिंग. मीनिंग वी विल नॉट स्टॉप ट्रेनिंग, लेकिन उसका रेस्ट पीरियड देना जरूरी है. ठीक है, रेस्ट पीरियड थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए. अब आप मतलब वीक में क्या करें, एक दिन उसको रेस्ट दे दीजिए. ठीक है, दो दिन उसको रेस्ट दे दीजिए, या फिर एक दिन में दो बार ट्रेनिंग ना देके उसको एक बार ट्रेनिंग दे दीजिए. ओके, सुटेबल रिकवरी पीरियड. देन स्पोर्ट्स मसाज. बच्चों, स्पोर्ट्स मसाज इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट वे to remove the toxins from the body. Okay, it relaxes the body, re-energizes the body. Okay, so hum sports massage bhi kar sakte hain, jaise ki blood flow body mein badhe, theek hai, nutrients badhe, oxygen flow body mein badhe. Theek hai, next hai student diet and nutrition, which is very important. एथलीट्स डाइट शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ द एथलीट. ठीक है, जितना वो काम कर रहा है उसकी डाइट भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. ठीक है, हेल्दी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए. ठीक है, मतलब जहां जरूरत है वहां पर्टिकुलर मतलब न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसको ताकत की जरूरत है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो उसे किस टाइप का फूड देना है. ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग. स्टूडेंट, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का मतलब है कि उसको मतलब मेंटल लेवल पे बूस्ट किया जाए. ठीक है, उसको मोटिवेट किया जाए जिससे कि वो नर्वस ना हो, टेंस ना हो, स्ट्रेस ना हो, उसे डिप्रेशन नहीं हो. ठीक है, उसे योगा करवाओ, उसको मेडिटेट करवाओ, उसको हेल्दी टाइम दो. ओके, तो ये भी मतलब साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरकम को हैंडल करने के लिए. देन लास्ट पॉइंट अंडर दिस इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट. स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी होते हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हम ना लें, हम अपनी नॉर्मल डाइट में ही चेंज लाएं जिससे कि हमें मतलब सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिले. ओके, क्योंकि न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन, वो परमानेंट नहीं है. ठीक है, इन केस इफ मतलब सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन की है तो आप ले सकते हैं, बट इट इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन, ध्यान रखना. ठीक है, जरूरत पड़े तो ले सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि वो न्यूट्रिशंस आपको आपकी डाइट के थ्रू मिले,
जिसका पॉजिटिव इफेक्ट हो आपके ओवरलोड को डील करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये हम टॉपिक यहीं पर ही खत्म करते हैं, ओके। सो बच्चों अटेंडेंस एक बार मैं और राम नाम रीड कर लेती हूँ आपके। अंबिका, अंबिका, दीपक, देवांश, हितेश, एश, इर्शाद इज देयर, इर्शाद, परिधि, वेट वन मिनट, आई विल मेक सम चेंज।